रहे खुदा तो सवा सौ बरस की हयात दे। मेरी तो बारगाह गाजी अब्बास में पल पल की दुआएं हैं तमाम मातमदारों के वास्ते, साथ में एक दो ऐलानात और भी आप समाप्त कर रहे। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस जो दो सफर को बरामद होता है, आप देखिए दुनिया में किसी मुकाम पर भी शहजादे अली अकबर का जुलूस इतनी बड़ी तादाद में बरामद नहीं होता। ये आपके हैदराबाद लखनऊ के लिए शहजादी कौनैन का बहुत बड़ा करम है कि क्या नौजवान, क्या जईफ, क्या बच्चे, क्या खवातीन सभी जमा होते हैं। दुआ देना उन माओं को जो अपनी गोद के पालों को लेके आके शहजादे पे कुर्बान करते हैं उस दिन। क्या जनाबे रबाब, क्या जनाबे लैला, आप लोगों पे नजर नहीं रखी हुई है, बराबर रखी हुई है। आ जाइए कभी इरफानियत की तरफ जाके सोचे, आप नूरानियत की तरफ जाके सोचे कि आपसे जब मौला बीबी सैयदा जैनब सल्लल्लाहु अलैहा वसल्लम जब ये काम ले रही, इतना बड़ा मर्तबा है। एक जाकिर मौला ये बोलता है कि जब तक तुम्हें शहजादी कौनैन मजलिस हुसैन की दावत ना दे तुम आ ही नहीं सकते। क्या बुंदी हिरा रहे तुम लोग, क्या बुंदी हिरा रहे, कितनी बड़ी बात बोल चुका मैं ये बात। अरे मादर हुसैन, तुम्हारे घर घर आकर तुमको इस जगह पे दावत देने के बाद तो यहां पर आए आप लोग, क्या मर्तबा है तुम लोगों का। क्या अजा के लिए हाथ उठा देना मामूली बात है। शहजादी उकसाते हैं तुम्हारे को, शहजादी आवाज देते हैं, बीमार करबला इमाम जैनुल आबिदीन दुआएं देते हैं तुम्हारे। मेरी बात आप लोग ध्यान में रखें, दुनिया चाहे कुछ बोले आजादारी से मुखर नहीं है, आजादारी से मुंह नहीं बोले आप लोग। एक ऐसे कड़ियर नौजवान का नौहा पढ़ो मैं, हुसैन इब्ने अली बहुत चाहते थे नौहानी है ये मेरी नजर में, मेरी खुद की जवानी से मैं इसको मर्सिया समझता हूं। इसका एक एक विसरा समाप्त करे और बीबी लैला को गुस्सा दे अनिल कुमार हुसैन। मुशीराबाद में 30 मुहर्रम को भी इंशाल्लाह बीबी सैयद सकीना की बारगाह में अंजुमन मासूमीन मातम का नजराना पेश करेगी। दो सफर के दिन जुलूस पालसडी फिर से बरामद होता है, वो सीना से निकलते हुए पुरानी हवेली चौरस्ता आता है। अलावे सड़कों के मुबारक में भी अंजुमन सीना से निकलती है, वहां के बाद अजा खान जहरा फिर हुसैनी मोहल्ले से एक और एक जुलूस बरामद होता है। मरूम सफदर वाला जाही की मजलिस बीबी के अलाय में होती है, इंतहाई मखसूस मजलिस है, वो भी शहजादी के लिए होती है। कुछ लोगों के मारूजे है, एक उन सफर मरहूम आबिद अली आबिद हुसैन साहब अलमारु डालर इंतहाई कदीम मजलिस है। आप तमाम नौजवान मातमदार वक्त निकालकर वो मजलिस में भी शिरकत करें। सुबह के 10 बजे देखें आप मातमदार कैसा अपनी मौत का वक्त चुन लेता है, और रात दिन अजाय हुसैन में शामिल थे हैदराबाद साहब अफसर और रोजे आशूर नमाज फजर के बाद हुसैन इब्ने अली से जा मिले। आप बोले कैसे नसीब है ये लोगों के, कैसे नसीब है। तो उनकी मजलिस भी है दो सफर, दिन में 10 बजे बीबी के अलाए में और 11 बजे आस्थाने कायम भी जो है अंजुमन मासूमीन मातम का नजराना पेश करती है, वहां पर भी जुलूस से झूले मुबारक बरामद होता है। कुछ लोगों के दुआओं के मारूजे बारेला बीमार करबला बीबी सैयदा सोहरा के सत्ते में हमारी कौम में जो जो बीमार है परवरदिगार को शिफाए कामिल अता फरमा। खास करके एजाज अली अकबाल जो मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं, इन्हीं दो अलील है सदर साहब मीर मुख्तार अली जवाहर साहब, मेरी वालद है मोहतरमा आसिफ साहब की वालदा और उनके वालिद बुजुर्गवार, और अब्बास साहब नौ खान
जो जो बीमार है परवरदिगार, और जीमू साहब भी जो है इन दिनों यावर के भाई है छोटे, इन दिनों अली है परवरदिगार, इस अदा के सबके में उनको भी शिफाए कामिल अता फरमा। परदेश में मेरे बच्चे उन लोग भी जो है दुआ की ख्वाहिश करे, परवरदिगार उनके भी तौफीकात में इजाफा करे, उनको भी सहज से रखे। और दुनिया के गोशे गोशे में ये आजादारी ये चैनलों के जरिए जो जा रही है, जिसमें SNS चैनल है और सकलैन राठवा स्टूडियो है और वाईफाई चैनल वाले हैं, RNS वाले हैं, कई ऐसे जो है हैदराबाद दखन में चैनल हैं जो दुनिया के गोशे गोशे में हैदराबाद की आजादारी पहुंचा रहे। कितनी अच्छी बात है, देखिए आप हैदराबाद वैसे भी आजादारी के लिए विराए अली और जो है अजायब हुसैन का शहर था, आज ये मीडिया के जरिए दुनिया के गोशे गोशे में जब जाते हैं तो आपके अजीज व अकारीब जो भी बाहर बैठे देखते हैं तो जाहिर है आजादारी उनकी तशफी होती है बराबर।